हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग कूल गेमर। तो गाइस, आज हम रैंक अप करने वाले हैं हमारे ब्रिक हाउस का। तो गाइस, हमारा ब्रिक हाउस पहले से 6 स्टार तो है, पर आज हम इसे लेके जाएंगे मैक्स रैंक तक, जो कि है हमारा पर्पल स्टार। इस पर्पल स्टार पे जाने के बाद रोबोट हमारा काफ़ी ओपी होने वाला है। एचपी इसकी हो जाएगी 121,000, पावर हो जाएगी 746 और एनर्जी हो जाएगी 24। यानी गाइस, हम इसके अंदर लगा सकते हैं 12 वाले वेपन। तो चलो इसको करते हैं रैंक अप। और ये हो चुका है हमारा रैंक अप, और कितना ओपी लग रहा है। साइड में गाइस हमारे पर्पल स्टार हो चुके हैं, और अभी मेरे 3 रोबोट पर्पल हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर डबल रॉकेट मोटर लगा दिया। चलो गाइस, अभी इसे टेस्ट करते हैं कि ये कंट्रोल पॉइंट क्रैश में कैसे चलता है। मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और अभी गाइस सबसे पहले स्पॉन करते हैं हमारे लेजेंडरी ब्रिक हाउस को। गाइस, मैं बाकी सारी चीज़ें फास्ट में दिखाऊंगा। जहां मैं किल करना शुरू करूंगा ना गाइस, उधर से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और अभी तक तो गाइस एक भी डैमेज नहीं आया रॉकेट मोटर से। अब शायद डैमेज आया। ओके, काफ़ी अच्छा डैमेज आया, और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा है। ओके, मेरे टीममेट आ गए बचाने के लिए, और ये हमारा गाइस पहला किल आ चुका है मैच का। एक ही किल आया यहाँ से, इसको पक्का लगेगा। ये कर लिया एबिलिटी ऑन, और 72K का डैमेज, इतना ज़्यादा, वो भी एक ही रॉकेट मारा। मुझे लगता है ब्रिक हाउस काफ़ी ओपी बन चुका है। ओह, इस डैमेज भी नहीं आया, इसमें ऐसे एबिलिटी वेस्ट हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। इसको लगेगा ये स्पॉट, और ओके 21K का डैमेज आया। आई थिंक एरीज है, और अभी क्रिटिकल लगा है 21K का डैमेज फिर से। और यहाँ पे आई थिंक किल शॉट है, तो इसको हुआ ट्राई तो कर सकता है, बट इतनी होप नहीं है लगेगा तो नहीं। चलो वैसे दे दिया है मैंने, और कोई दो दो की लिखा। ओके, ओ नो, मैंने गलती से एक और रॉकेट मोटर छोड़ दी, और उससे कोई भी डैमेज नहीं आया। जिसको इधर फ्रीज किया है, यानी ये गया। अरे गाइस, उसको डैमेज नहीं आया जो फ्रीज था। पर गाइस, इसी के साथ डोमिनेटिंग हो चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गाइस वो भाग नहीं पाया। इसको तो लगने वाली है, अरे उसको फ्रीज कर दिया। और यस गाइस, किल आ चुका है एक और। ओ, एक और किल गाइस, अनस्टॉपेबल। इसकी एबिलिटी ऑन करके तो ना लगातार खेल लेते हैं। और गाइस, फिर से दो किल एक साथ। होस्ट हो चुका है, और रैम्पेज भी हो चुका है, और मेरे ऊपर रॉकेट मोटर आई थिंक रुका गया। और जिसकी इतनी ज़्यादा एचपी है, ऐसे फर्क ही नहीं पड़ा, और गॉड लाइक हो चुका है। और वैसे ब्रिक हाउस एक असली टैंक रोबोट है भाई, मज़ा आ गया। और डैमेज नहीं आया इसको तो, शायद ना है, वो नहीं आया। अभी ना मैं एबिलिटी ऑन करके, ओ नो रॉकेट मोटर। ओके, और इसकी एचपी इतनी ज़्यादा है कि ये मरता ही नहीं। नेमेसिस भी हो चुका है, और किल यानी 11 किल हो चुका है अभी। और अभी शायद हम और किल कर पाए कि मैच लंबा चलेगा। और भाग गया गाइस, वो एक ही जगह पे खड़ा है। इसको देता है डैमेज, एबिलिटी कर ली ऑन, और एक और किल हो चुका है। और मेरे पर रॉकेट मोटर आ चुकी है, 2 किल एक साथ गाइस। और हमने कितने सारे डबल किल किए, और इस बार सिर्फ डैमेज आया, तो ये काफ़ी पास आ रहा है। इसको बीकन कैप्चर करने देते हैं। तो इतना मुझे इसका ये ग्लिच नहीं समझ आता, प्लेयर्स लॉक नहीं होते टारगेट। एक और किल, और आई थिंक अब मेरा ब्रिक हाउस गया। मुझे दोनों तरफ से घेर लिया, मैच ही डिफीट हो गया। और हमारा ब्रिक हाउस फर्स्ट पोजीशन पे आया है, 15 किल्स एंड 1 बीकन। एकदम ओपी गाइस ब्रिक हाउस। तो देखते हैं पायलट एक्सपी। तो गाइस, हमें मैच जीतने के लिए रोबोट अच्छा नहीं होना चाहिए, हमें रोबोट भी अच्छा होना चाहिए, पर हमारे पास टीममेट भी होने चाहिए, क्योंकि अभी तो हम मैच हार गए इतना अच्छा खेलने के बाद भी। वाओ, और हमारा हैंगर कितना ओपी लग रहा है, और ब्रिक हाउस भी कितना खतरनाक लग रहा है।
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए किंग कूल गेमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।